अभी एक दुख की बात आई है, वो ये है कि कश्मीर में 8 उम्र वाली आसिफा एक औरत, छोटी लड़की, ये लड़की को दुश्मनों कत्ल कर दिया। कत्ल करने से पहले बिल्कुल बुरा काम किया उन लोगों की हाजत के लिए, इस्तेमाल किया ऐसा बुरा काम करके अखीर ये लड़की को कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का आदमी, पुलिस वगैरह, ये कातिलों को छुपाने के लिए कोशिश किया। 3 महीना तक ये बात जाहिर में नहीं आया, उसके बाद आया। ये क्या बात है, ये कैसा होता है, ये इंसानियत है? हरगिज इंसानियत नहीं, हरगिज ये इंसानियत नहीं होगा। इंसान को ऐसा काम करने का गुंजाइश नहीं होता है। इसलिए कश्मीर गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से हमारे गुजारिश ये है कि जो ये बड़ा बुरा काम किया है वो लोगों को तहदीब, हुकूमत में शिद्दत के साथ करना है। ऐसी बातों इधर आइंदा नहीं होना, इसलिए शिद्दत के साथ इकाब करना चाहिए। हर पुलिस वगैरह ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। ये काम के लिए पुलिस और वकील वगैरह मुसादत करना नाजायज है। हम तो इस बात में बहुत दुख अर्ज कर रहा हूं। इंशा अल्लाह हमारे यहाँ कश्मीर से अल्हम्दुलिल्लाह इधर कारीकत मरकज सकाफती सुन्निया में आकर 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़कर वापस गए। अभी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी तो 200 के ज्यादा स्टूडेंट अभी भी मरकज सकाफती सुन्निया कारीगत में अभी कश्मीर से खुद पढ़ते हैं। हम ये बच्चों को पढ़ाते और कपड़ा, खाना, पीना सब फ्री देते हैं। ये तो इंसानियत है। यहाँ कोई कश्मीर है, केरला है, वो हम नहीं देखता है। इसलिए हम लोग सब इंसानियत को कीमत देना है। अगर ना मुसलमान हो तो भी ऐसा नहीं करना। इधर मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं, इंसानियत का